वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। मेमोरियल स्कूल के इस चैनल पे हम इसमें जानेंगे कि जो भी वीडियो अपलोड होता है वो कहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे अपलोड होने के बाद से आपको जो भी वीडियो होंगे उसका वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप क्लास वाइज इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो क्लास वाइज के लिए आपको क्लिक करना होगा प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको इस तरह से क्लास सेवन्थ के मैथ और इंग्लिश ग्रामर सिक्स सेवन्थ एट जो कि एक ही में पढ़ाया जाता है, उसके बाद से फर्स्ट टू एट से कंप्यूटर है, कंप्यूटर इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आपका सिक्स का मैथ है, फिफ्थ का मैथ है और जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे इस प्लेलिस्ट के माध्यम से उस क्लास के उसमें सभी आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद से हम जानते हैं यहाँ पे अबाउट के बारे में। तो अबाउट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल स्टूडेंट पीपल एंड यूट्यूबर वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे आपको मैथ इंग्लिश साइंस कंप्यूटर आदि सभी कोर्स को ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाया जाता है। इसमें आपको डेली 9 AM जो सुबह में 9 बजे आपको जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं इस तरह से, उसके बाद से यहाँ पे जो बेल जैसा आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो जो भी वीडियो इस पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट, आज इस क्लास सिक्स में स्काइप की जो बुक लगी हुई है इसमें जो आपका कंटेंट दिया हुआ है, लेसन के नाम दिए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम अश्वनी। यहाँ पे आप हम देखेंगे कि क्लास सिक्स में जो कंप्यूटर का बुक लगा हुआ है उसमें कौन कौन से लेसन आपके बताए जाएंगे उसके बारे में आपकी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या आपके टॉपिक हैं उसके बारे में हम जानते हैं और जो भी वीडियो आपके होंगे एक एक पार्ट में आपका एक एक दिन आपको डेली 9 AM पर आपको सुबह में आपको अपलोड किया जाएगा। उसमें आपको प्लेलिस्ट में या वीडियो में जा करके उसको अलग अलग देख सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन अगर नहीं प्रेस करते हैं तो उसमें आने वाले जो वीडियो होंगे अपलोड किए जाएंगे वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपका रेड जैसा आपका आइकन दिया होगा, उस पर हम क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद से आपको घंटी जैसा एक आइकन दिया होगा, इसमें आपके थ्री पार्ट में डिवाइड होंगे। एक आपका ऑन होगा, ठीक है, एक आपका ऑफ होगा, उसके बाद से इस तरह से इसमें दिए रहेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर देना है। ऑल नोटिफिकेशन को जैसे ही ऑन आप करेंगे उसके बाद से जो भी वीडियो आपको मिलेंगे अपलोड किए जाएंगे उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्लास सिक्स में आपका लेसन क्या क्या दिया गया है उसके बारे में। तो पहला लेसन आपका दिया है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो छोटी छोटी जानकारियां होती हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगा। उसके बाद से लेसन वन में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, उसके बाद से लेसन टू में मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है, जो आप सॉन्ग सुनते हैं और जो आप वीडियो देखते हैं उसी को मल्टीमीडिया हम कहते हैं। मल्टीमीडिया में आपका क्या क्या बताया जाएगा हम लेसन टू में जानेंगे। उसके बाद से लेसन थ्री दिया हुआ है मोर ऑन MS Word 2007। यहाँ पे मोर इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे आपको MS Word में जो जानकारी होगी आपको
पिछले क्लास से जो पिछला क्लास है आपका फिफ्थ है, फिफ्थ में आप पढ़ चुके हैं इसके पहले, उसके बाद से मोर ऑन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड में और भी जो जानकारी पिछले आप पढ़ चुके हैं उससे ज्यादा आपको उसमें बताया जाएगा। तो लेसन 3 में हम जानेंगे मोर ऑन एमएस वर्ड 2007। उसके बाद से लेसन 4 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल 2007। एमएस एक्सेल के बारे में आपको इंट्रो बताया जाएगा कि उसे कैसे आप यूज करते हैं, तो इसको आप जानेंगे लेसन 4 में। उसके बाद से लेसन 5 है मोर ऑन एमएस एक्सेल। लेसन 4 में हम एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त किए हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी मोर ऑन एमएस एक्सेल 2007 लेसन 5 में। तो लेसन 5 में थोड़ी बहुत जानकारी उससे आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आप और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आता है और किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। उसके बाद से हम जानेंगे लेसन 6 में नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है इसकी जानकारी हमको जानेंगे लेसन 6 में। तो उसके बाद से दिया हुआ है आपका लेसन 7। लेसन 7 में आपका सर्फिंग इंटरनेट, जो इंटरनेट आप यूज करते हैं, जो आप चलाते हैं, सभी लोग कहते हैं इंटरनेट हम चलाते हैं, तो इंटरनेट को हम चलाते नहीं है, उसको हम सर्फिंग करते हैं। तो सर्फिंग कैसे करते हैं उसकी जानकारी आपको हम बताएंगे लेसन 7। तो यह था आपका कंटेंट जो आपका लेसन भी कहते हैं लेसन 6 का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।